जी मेरा ताल्लुक 30 रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से है, जो एक गैर मुनाफा बख्श और गैर सरकारी इदारा है जो सिंध के एरिड जोन्स में काम करता है, दादू जामशोर उमरकोट और थपारकर। जैसा कि जो जोग्राफिकल कंडीशन है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे स्नैक बाइट्स के केसेस ज़्यादा रिकॉर्ड होते थे और उसकी जो ASV की अवेलेबिलिटी है और वो लाइफ सेविंग ड्रग होने की वजह से उसकी कास्टिंग का कंट्रोल का जो मैकेनिज्म था वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। इस वजह से TRDP ने अर्ली 2000 में एक पूल क्रिएट किया और उस पूल के ज़रिए 500 एंटी स्नैक वेनम के जो वायल्स हैं वो हम अपने पास प्रिजर्व रखते थे। और जैसे ही कोई पेशेंट स्नैक बाइट केसेस में एडमिट होता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो उनके रिक्वेस्ट पे हम वो ASVs जो हैं एक्चुअल कास्ट पे जो कि 500 रुपये पर वायल थी उस पे हम दे दिया करते थे। इस वजह से ये हुआ कि एक अवेलेबिलिटी जो है एंटी स्नैक वेनम की वो इंश्योर हुई। 2000 से लेकर 2018 तक TRDP ने कंटिन्यूसली एक रिवॉल्विंग पूल के ज़रिए, जिसमें हम 500 वायल का जो पूल है उसको मेंटेन कर रहे थे, उसको कंटिन्यू रखा। और अर्ली 2018 में अभी डेढ़ माह हुआ है हमने उस पूल को ख़त्म किया है। उसकी वजह ये है कि हमने देखा कि जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा और उन्होंने उसमें बेहतरी लाए हैं और जो जो रिक्वायर्ड ड्रग्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं।